हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हेन अ स्टूडेंट कैन आस्क फॉर रिफंड मनी, कि एक स्टूडेंट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अपनी मनी के रिफंड की डिमांड कब कर सकता है। देखिए, जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो बाद में कुछ समय के पश्चात कभी कभी ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाती हैं कि आप उस कोर्स में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ये राइट होता है कि आप अपनी फीस रिफंड ले लें। लेकिन रिफंड कैसे लेंगे, उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में आप कॉलेज से रिफंड मांग सकते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जिसमें आप रिफंड की डिमांड कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, बाद में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन चुकी हैं कि आप वहां पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आप चाहते हैं कि आपकी फीस वापस मिल जाए, तो वो जो कंडीशंस हैं आगे हम अब डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली कंडीशंस तो ये है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कॉलेज है और उसने आपसे फीस ले ली है, लेकिन ऑन टाइम जो कोर्स है आपका वो शुरू नहीं किया है, यानी कि क्लासेस ही शुरू नहीं हो पा रही हैं, या फिर जो फैकल्टीज है वो ही अपॉइंट नहीं हुई है, या फिर बार बार फैकल्टीज चेंज हो रही हैं, या फिर जहाँ पर आपने एडमिशन लिया था वहाँ से आपके जो पेरेंट्स हैं उनका ट्रांसफर हो गया है और आप वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है जिस समय आपने वहाँ पर एडमिशन लिया था उसकी लोकेशन कुछ थी और बाद में उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, उसकी लोकेशन यानी कि कॉलेज वहाँ पर लोकेट हो जाता है जहाँ पर आप नॉर्मली अप डाउन नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके पसंद के कोर्स में आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है। इसी पे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जिसका नाम उस्मानिया इस्लामिया एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स है। ये 2003 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो पूरे कोर्स की फीस एक ही बार में नहीं लेगा, अगर लेगा तो वो सिर्फ अगर सेमेस्टर बेस कोर्स है तो केवल एक सेमेस्टर की फीस लेगा और ईयर बेस कोर्स है तो वो सिर्फ एक ही साल की फीस ले सकता है। आगे कोर्ट ने कहा कि यह इम्पोर्टेंट है, अगर रिक्वायर्ड है, अगर ज़रूरी है तो आप स्टूडेंट से बैंक बॉन्ड भरवा सकते हैं या गारंटी ले सकते हैं, जिससे कि जो मिड स्ट्रीम है यानी कि मिड सेशंस है उसमें अगर स्टूडेंट छोड़ करके जाता है तो तब उससे वो बॉन्ड रिकवर करवाया जाए। लेकिन फीस आप नहीं लेंगे, बाउंड भरवा लीजिए अगर आपको गारंटी है कि आपकी सीट खाली रह जाएगी, या फिर आप बैंक से गारंटी, लेकिन फीस आप नहीं लेंगे एक साथ। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ फी हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड द अमाउंट सो कलेक्टेड शैल बी कैप्ट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट इन द नेशनलाइज्ड बैंक। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वजह से आपने फीस ले ली है या जरूरी है, कुछ भी ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपने फीस ले ली है, तो वहाँ पे जो वो अमाउंट है फीस का वो एक फिक्स डिपॉजिट करवाया जाएगा एक नेशनलाइज्ड बैंक में, विच अगेंस्ट विच नो लोन और एडवांस मे बी गारंटेड, जिसके जिसका बेनिफिट आप अपने लिए यूज के लिए नहीं कर सकते, ना तो उस पैसे पे आप लोन ले सकते हो ना ही उसे गारंटी में यूज कर सकते हो, दैट द इंटरेस्ट ऑक्यूर्ड अपॉन मे इंश्योर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट। और इससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट डाला था नेशनलाइज्ड बैंक में स्टूडेंट से फुल अमाउंट लेकर के, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो जो है स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ही आप उसको यूज करें, अदरवाइज उसे आप अपने पर्सनल लोन के लिए या फिर किसी गारंटी के बिहाफ पे यूज नहीं कर सकते हैं। आगे कहा, इंस्टीट्यूट कैन नॉट रिटेन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स वंस स्टूडेंट लीव द इंस्टीट्यूट। इस पे आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर स्टूडेंट ने क्या है इंस्टीट्यूट आपका छोड़ दिया है, तो वो इंस्टीट्यूट जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके
जो मार्कशीट है स्टूडेंट्स की वो अपने पास रिटेन नहीं कर सकता, ठीक है, वो उसको स्टूडेंट को वापस रिटर्न करनी होगी। इसी पर एक अदर केस है, निपुर नागर वर्सेस सिंबोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस 2009। ये आपका नेशनल कमीशन का केस है जिसमें ऑनरेबल नेशनल कमीशन ने हेल्ड किया कि जो इंस्टीट्यूट है वो अगर रिटेन करते हैं फीस को, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने आपका इंस्टीट्यूट विथड्रॉ कर दिया है, अगर इंस्टीट्यूट छोड़ दिया है, तो वहां पर आप अगर उसकी जो पेमेंट उसने किया था, फी पे की थी, अगर वो आप रिटेन करते हैं तो ऐसा रिटेनिंग अनफेयर और अनजस्ट है। और अगर आप इस तरह की कोई कंडीशन लगाते हैं कि द फीस इज नॉट रिफंडेबल, तो वो भी अनजस्ट और अनफेयर ही कंसिडर की जाएगी और आपको वो जो रिफंड है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर कि स्टूडेंट्स अपने कॉलेज फी को रिफंड कैसे करवा सकते हैं। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।